हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन आर यूट्यूब चैनल द कैन इंडिया में। आज के न्यूज़पेपर में सीटी भर्ती को लेकर यह बताया गया है कि भोपाल सिंह खदरी की चुप्पी, एचएसएससी के विकल्पों ने एक झटके में सब शांत कर दिया। एचएसएससी के चेयरमैन भोपाल सिंह खदरी ने ग्रुप संख्या 5657 में 41 सवाल रिपीट होने के बाद एक बेहतरीन काम किया कि उन्होंने चुप्पी साध ली। वैसे कहावत भी है कि एक चुप सौ सुख। उनका यह फैसला सभी नाराज और गुस्साए वर्गों को शांत कर गया। गलियारे में इसकी चर्चा हो रही है कि जिस तरह चेयरमैन ने पारंपरिक मीडिया या सोशल मीडिया या यूट्यूबर से दूरी बनाकर रखी, वह प्रशंसनीय है। चूंकि वे एक आयोग के चेयरमैन हैं और उनके बयान की कीमत होती है, इसलिए अगर वे कोई बयान देते तो मीडिया सोशल मीडिया पर उसके अपने अपने मतलब अनुसार अर्थ निकालते, जिससे विवाद बढ़ जाता। वैसे भी हाईकोर्ट में 1 सितंबर 2023 को सुनवाई होनी है। उससे पहले किसी भी ग्रुप का पेपर होना नहीं था, कोई शेड्यूल जारी नहीं होना था, इसलिए चेयरमैन भोपाल सिंह खदरी की मीडिया से दूरी का परिणाम सही निकला। दूसरा, एचएसएससी ने जिस तरह अगले ग्रुपों की प्लानिंग बनाई है, ग्रुप डी का सीटी करवाने के लिए तैयारी की है। सितंबर के आखिर या अक्टूबर के शुरू में यह सीटी लेने की तैयारी है और यह जानकारी दैनिक सवेरा में प्रकाशित हुई तो सभी कैंडिडेट्स नकारात्मकता छोड़ पढ़ाई में लग गए। गलियारे में यह भी चर्चा हो रही है कि ग्रुप सी के सीटी के लिए भी आगामी दिसंबर के आखिर तक लेने की प्रक्रिया की जानकारी दैनिक सवेरा में प्रकाशित होने के बाद कैंडिडेट्स तैयारी में जुट गए। जो कैंडिडेट्स कम अंकों के कारण इस बार ग्रुप सी पदों के लिए 4 गुना में नहीं आ पाए, वे भी अगले सॉइटी में अच्छा स्कोर लेने के लिए अभी से तैयारी में जुट गए। किसी के पास नकारात्मकता के लिए समय नहीं बचा। ग्रुप 5657 का जो बनेगा वह अदालत में हो जाएगा। एचएसएससी के 4 विकल्पों में से कोई ना कोई स्वीकार हो सकता है। सभी को ये 4 विकल्प पसंद आए। पिछले काफी समय से एसएचएसएससी के बारे में जो नेगेटिविटी फैल रही थी वह बंद हो गई है और कैंडिडेट्स तैयारी में जुट गए हैं। गलियारे में कहा जा रहा है कि जैसे ही अदालत से फैसला आता है, चाहे कैसा भी आए, एचएसएसएससी तुरंत उसके अनुसार अगले पेपर लेने में जुट जाए। गलियारे में कहा जा रहा है कि एचएसएसएससी यह भी अदालत के सामने विकल्प रख सकता है कि जिन ग्रुपों में उम्मीदवारों की संख्या 4 गुना से कम है, यानी छाटने की आवश्यकता ही नहीं है, उनके पेपर बिना देरी के कराए जा सकते हैं। इनके लिए सीटी स्कोर रिवाइज करने की भी आवश्यकता नहीं है। गलियारे में कहा जा रहा है कि जिस तरह चेयरमैन भोपाल सिंह खदरी ने धैर्य दिखाया है और किसी भी मीडिया को कोई बयान नहीं दिया है, आगे भी इसी तरह धैर्य रखेंगे तो उन लोगों को कोई कमी शायद नहीं मिल पाए जिनका काम कमियां ढूंढना ही है। सीटी पास 3,59,000 युवा चाहते हैं कि सीटी क्वालिफाई हो, मगर इस बार नोटिफिकेशन के कारण यह नहीं हो पा रहा है तो भविष्य में इसे क्वालिफाई बनाने का फैसला सरकार को करना चाहिए। चयन तो उन्हीं का होगा जो एचएसएससी की सब्जेक्टिव परीक्षा में टॉपर होंगे। इसलिए जो कमियां इस बार के सीईटी में रह गई थीं, वे अगले सीईटी में दूर कर ली जाएं ताकि सरकारी पदों पर भर्तियां जल्द से जल्द हो सकें। अगर ग्रुप सी और डी का सीईटी इस साल हो जाता है तो अगले 1 साल में ग्रुप सी और डी के रिक्त पदों पर भर्ती हो सकती है। यदि यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें और अधिक जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। 23